नमस्कार साथियों, देश और दुनिया की मुख्य मुख्य और बड़ी बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं आपका साथी जयकरण चारण। सेन समाज ने अंकिता सेन के हत्यारों को फांसी देने की मांग की और उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। टोंक निवाई के अंदर 6 वर्ष की लड़की अंकिता सेन के साथ बलात्कार किया और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में गाड़ दिया, जिस कारण से सेन समाज में काफी आक्रोश है। 13 साल की बच्ची गायब, अपहरण का मामला दर्ज। जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर थाने में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार सुदर्शना नगर निवासी परिवादिया ने बताया है कि सोमवार सुबह करीब 9 बजे वे खाना बना रही थी, इसी दौरान उसकी 13 वर्षीय बेटी बिना कहे घर से निकल गई। उसके अनुसार बेटी उसका मोबाइल भी ले गई जिसमें उसी का सिम कार्ड लगा है। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने IPC के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले की जांच SI राम प्रताप को सौंपी गई। नोखा के लोकप्रिय विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई को बीकानेर देहात का जिला अध्यक्ष बनाया गया। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया नई पेंशन योजना का विरोध। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा आज प्रांतीय आह्वान पर नई पेंशन योजना के विरोध में नवलीगेट नोखा एवं कई विद्यालयों में काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का विरोध किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई ने कहा कि नई पेंशन योजना से कर्मचारियों में आक्रोश है। पेंशन जो कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा होती है वह छिन गई है। जिला संगठन मंत्री लेखराम गोदारा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को ना तो कुछ देना पड़ता था और साथ ही पेंशन मिलने की गारंटी थी, परंतु नई पेंशन स्कीम में 10% की राशि कर्मचारी की काटी जाती है, फिर भी पेंशन की गारंटी नहीं है। आज विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति द्वारा श्री जैन आदर्श सेवा संस्थान के ऑडिटोरियम में मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें नोखा के क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सहभागिता ली। दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका हीरा चांडक ने बताया कि इस सेमिनार में कैरियर काउंसलर डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ परीक्षा देनी चाहिए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विमला डुकवाल ने विद्यार्थियों को परीक्षा के समय भोजन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सेमिनार के मुख्य वक्ता के रूप में मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ स्किल्स कोच डॉक्टर चक्रवर्ती नारायण श्रीमाली ने विद्यार्थियों को तनाव से दूर रहने के टिप्स दिए एवं परीक्षा के दिनों में दिनचर्या पढ़ाई कैसे की जाए उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्टर, कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल चांडक, जिला कोषाध्यक्ष जुगल किशोर तिवाड़ी, मातृशक्ति की जिला संयोजिका राधामणि चितलंगी, जैन कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर वेद शर्मा ने भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करके मोटिवेशनल सेमिनार की शुरुआत की। बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा, 1 की मौत, अन्य घायल। 2 कारों की भिड़ंत में 1 महिला की मौत की खबर। जानकारी के अनुसार सेरुणा थाना क्षेत्र के जंझहू के पास I-20 कार व स्विफ्ट VDI में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बीकानेर पुलिस लाइन के सामने रहने वाली 32 वर्षीय महिला सुनीता कंवर की एम्बुलेंस में बीकानेर ले जाते वक्त मौत हो गई। वहीं 2 अन्य महिलाएं गंभीर घायल है जिनका PBM अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनकी पहचान 27 वर्षीय स्वीटी कंवर व 28 वर्षीय ओम कंवर के रूप में हुई है। वहीं चालक व 28 वर्षीय राघवेंद्र सिंह को सामान्य चोटें आई। पत्नी की तलाश में पति पहुंचा थाने, मांगी पुलिस से मदद। नवविवाहिता के लापता होने की खबर है। पांचू थाने में दर्ज गुमशुदगी के अनुसार स्वरूप सर के 25 वर्षीय राजू राम जाट की पत्नी 22 जनवरी 2019 सुबह 7:30 बजे से लापता है। राजू राम ने बताया है कि बिहार की पार्वती से उसकी शादी मई 2018 में हुई थी, वह 22 जनवरी से लापता है। वहीं उसका मोबाइल नंबर अभी तक चालू बता रहा है। उसने बताया कि फोन करने पर फोन उठता जरूर है मगर कोई बोलता नहीं है। उसके अनुसार पार्वती बिना कहे घर से गई थी जो अब तक नहीं लौटी। बीकानेर में जमीन के अंदर मिला शव, पुलिस मौके पर पहुंची। बीकानेर के रामपुरा बस्ती में अज्ञात शव मिलने की खबर है। जानकारी के अनुसार शव जमीन के अंदर है, फिलहाल जमीन की खुदाई कर शव को कब्जे में लिया जा रहा है, पुलिस मौके पर है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक शासन किया लेकिन गरीबी हमारी सरकार को दूर करनी पड़ी। हिमाचल सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जनमंच कार्यक्रम के तहत अब तक
25,227 शिकायतों में से 20,062 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सोमवार को एयरफोर्स का जगुआर विमान क्रैश हो गया। यहां के हेतिमपुर गांव में एक खेत में विमान गिर गया, इसके बाद इसमें आग लग गई। हालांकि विमान के पायलट ने पैराशूट की मदद से अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि विमान ने गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी। राशिसर के बांके बिहारी गौशाला में रविवार को गोहितार्थ एक दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम हुआ। इसमें प्रभु प्रेमी कन्हैयालाल पालीवाल ने पर्यावरण संरक्षण, बालिका शिक्षा व महिला सम्मान का वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रासंगिक बताया। उन्होंने गौ महिमा का विस्तृत वर्णन किया, साथ ही कहा कि भगवान धन दौलत से नहीं, वे तो प्रेम भाव के भूखे हैं। किसान आभार रैली में राहुल बोले, देश के चौकीदार के पास किसानों के लिए पैसा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सम्मेलन की शुरुआत में कहा, मैं छत्तीसगढ़ की जनता, युवाओं, किसानों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी को भारी जिम्मेदारी दी है, हम दिल से जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान के चौकीदार के पास किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं। भयंकर सड़क दुर्घटना, युवक की हालत नाजुक। गुसाईसर मुख्य मार्ग के तिराई पर सड़क दुर्घटना में युवक के गंभीर घायल होने की खबर है। युवक इंद्राज का पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है, वह हालात नाजुक बताई जा रही है। जीत के साथ टीम इंडिया ने खत्म किया 10 साल का इंतजार। टीम इंडिया ने तीसरा वनडे 7 विकेट से जीतने के साथ सीरीज अपने नाम कर ली। भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे में 7 विकेट से हरा दिया। इसी जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब बाकी 2 मैचों में न्यूजीलैंड अपना सम्मान बचाने उतरेगी। माउंट मोंगनुई में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी और 49 ओवरों में 243 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में टीम इंडिया ने निर्धारित लक्ष्य 44वें ओवर में हासिल कर लिया। टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा ने 62, कोहली ने 60, अंबाती रायडू ने 40 और दिनेश कार्तिक ने 38 रन बनाए। टीम इंडिया ने आखिरी बार 2009 में न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीती थी और अब 10 साल के बाद टीम इंडिया ने अपना कारनामा दोहरा दिया है। गौर करने वाली बात है कि 2009 में टीम इंडिया के कप्तान एमएस धोनी थे और विराट कोहली उस टीम का हिस्सा भी नहीं थे। साथियों, आपके आसपास भी कोई घटना घटित होती है या कोई समाचार हो तो नीचे लिखे नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ये थी देश और दुनिया की आज की मुख्य मुख्य और ताजा तरीन खबरें। कल इसी समय इसी चैनल पर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।